हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आपका स्वागत है आपके अपने शो बिजनेस एकेडमी में। मैं हूं प्रिंस गुप्ता और मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि डिजिटलाइजेशन क्या चीज़ है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन क्या है? देखिए, वो ऐसे काम जिनको हम डिजिटल फॉर्म में करते हैं उसको हम डिजिटलाइजेशन कहते हैं। आप इसको एक्सप्लेन में थोड़ा एग्जांपल सा समझ लीजिए। जैसे पहले हम लोग फॉर्म लाते थे, फॉर्म को पहले हार्ड कॉपी में भरते थे, उसको पोस्ट ऑफिस जा करके उसको कोरियर करते थे, फिर वो एक प्रोसेसिंग में चैन में उसको पूरा कंप्लीट होता था। आज क्या, आपको किसी भी चीज़ का फॉर्म भरना है, आप नेट पर गए, सीधे फॉर्म भरे, उसका तुरंत रिसिप्ट आपने हाथ में लिया, घर चले हैं, सारा काम को सारे काम को आपने डिजिटल फॉर्म में कर लिया, ये डिजिटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन के क्या क्या फायदे हुए? देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने डिजिटलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है और इन्होंने इस पर बहुत ही ज़्यादा काम किया है कि लोग जो हैं डिजिटल फॉर्म में आ जाएँ। ठीक है, इसके देखिए बहुत सारे फायदे हुए हैं पर बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, और जिसका नुकसान अभी हमें देखना पड़ रहा है और कितना देखना पड़ेगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है। देखिए, डिजिटलाइजेशन का सबसे पहले कुछ फ़ायदे हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहला क्या फ़ायदा हुआ है, पहले देखिए मनी जो है, पैसा जो है, वो सीधे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, हार्ड करेंसी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब पहले केवल अकाउंट के नंबर बदलते रहते हैं, कभी हमारे अकाउंट में, कभी आपके अकाउंट में है। और पहले क्या होता था कि हार्ड करेंसी को बैंक तक पहुँचाना, बैंक से हम तक पहुँचाना, और हमें कहीं काम पड़ता था तो हम उसको जाके हार्ड करेंसी को किसी को पे करने में कई बार चोरी हो जाती थी, कई बार इधर उधर के कैसे हो जाते थे, तो इन चीज़ों से अब निजात मिल गई है लोगों को। दूसरा बात है, दूसरी ये है कि चेंज की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक खत्म हो गई है भाई, क्योंकि किसी को भाई 22 रुपये किसी को पे करना है, आपने सीधे स्कैन किया, 22 रुपये दे दिया, उसमें कोई 2 रुपये 1 रुपये की टेंशन ही खत्म हो गई है, 10 रुपये 100 रुपये 500 रुपये की टेंशन ही खत्म हो गई चेंज की। और तीसरा इसमें क्या है कि कस्टमर्स को कंपनियां जो हैं, ऑनलाइन कंपनियां डिफरेंट टाइप के कैशबैक्स देती रहती है, जिससे कस्टमर उस चीज़ में चिपका रहता है, अट्रैक्ट रहता है, और एक टारगेट दे देती हैं कि भाई 10 पेमेंट करो तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा। तो कस्टमर भी क्या है कि उस चीज़ 10 पेमेंट के लिए कहीं जहाँ भी जाता है कुछ कहता है हम ऑनलाइन पेमेंट करें। ठीक है, दूसरा इजी टू मनी ट्रांसफ़र हो गया है, अब आपको कहीं भी मनी ट्रांसफ़र करना है, पहले हम लोग को बैंक जाना पड़ता था, बैंक में फिर RTGS करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, करना काफ़ी प्रोसेसिंग में होता था काम और सडनली हो भी नहीं पाता था। अब क्या, आपने IMPS के थ्रू या आपने सीधे UPI के थ्रू किसी को भी मनी ट्रांसफर कर दिया। और पांचवा इसका क्या फायदा है कि अदर पेमेंट मोड, जैसे भाई बिजली का बिल है, आपको पहले लाइन लगानी पड़ती थी, गैस के बिल के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, और भी जैसे और सारे भाई कई सारे काम हैं DTH के लिए या और भी कई सारे रेलवे टिकट के लिए, सारे काम आप घर बैठे ऑनलाइन अपने हाथों से खुद भी से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे। अब इसके साइड इफेक्ट को भी जान लेते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। देखिए, डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अपने देश में जो दिख रहा है, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है अनएम्प्लॉयजेशन। अनएम्प्लॉयजेशन क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, कोई प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, वो प्रोडक्ट पहले उसने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने उस प्रोडक्ट को पहले सेमी होलसेलर को दिया, सेमी होलसेलर से वो प्रोडक्ट हॉकर को गया, हॉकर से फिर वो आया रिटेल दुकानदारों के पास आया, दुकानदारों से वो कस्टमर तक पहुँचता था। इससे एक राउंड चैन बन जाती थी। राउंड राउंड में क्या होता था कि कंपनी ने प्रोडक्ट को बनाया, थोड़ा उसने थोड़ी सी कॉस्टिंग और थोड़ी सी मार्जिन को लेकर के होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने तो थोड़ी सी मार्जिन अपनी रख ली, उसको सेमी होलसेलर को दे दिया, फिर सेमी होलसेलर ने थोड़ी सी मार्जिन रख ली, उसको हॉकर को दे दिया, हॉकर ने थोड़ी सी मार्जिन रख ली, और उसके बाद वो दुकानदार को दे दिया, अब दुकानदार ने थोड़ी सी मार्जिन रख ली, कस्टमर को पहुंचा। इस प्रोसेसिंग में जो होता था कि काफ़ी हद तक जो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती थी काफ़ी बढ़ जाती थी, फ्लक्चुएट कर जाती थी, क्योंकि ये एक मोर देन वन स्टेप से होके जाता था, सभी लोग अपने अपने लेवल में अपने अपने स्तर से मार्जिन को कैप्चर करते थे। अब इन्होंने दूसरा सिस्टम ऑनलाइन का क्या हुआ, या ऑनलाइन में क्या है कि किसी एक कंपनी ने लिया, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और हमारे आप में से किसी एक ने जाकर के कंपनी से बल्क में प्रोडक्ट खरीद लिया। अच्छा, बल्क में प्रोडक्ट खरीदने का कई सारे फायदे होते हैं। पहली चीज, कंपनी आपको में जब आप बल्क में खरीदते हैं माल को तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे देती है कंपनी, उस रेट पर आपको दे देती है जिस रेट पर शायद वो कभी होलसेलर या सेमी होलसेलर या हॉकर को नहीं देती है माल, उस रेट पे आपको प्रोवाइड कर देती है माल। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब आप बल्क में माल लेते हैं तो आपके आपको कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको किसी दुकान की, शो
शोरूम की या किसी हाई फाई लोकेलिटी की जरूरत होती है, उसमें आप क्या करते हैं किसी भी आउट ऑफ स्टॉक मतलब जो आउट एरिया में जा करके किसी भी बिल्डिंग को ले लिया रेंट पर, उसमें अपना माल स्टॉक कर दिया। उसमें आपको कोई बहुत हाई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता, देखिए जैसे अभी आप इलाहाबाद में रहते हैं और इलाहाबाद में किसी एक पॉज एरिया में आप चले जाइए सिविल लाइन एरिया में, और एक आपको दुकान लेनी हो 10x10 की या 10x15 की दुकान हो, उसकी कॉस्ट कम से कम मंथली 20,000 रुपये रेंट होता है, और आप इलाहाबाद में न जाइए झूसी में ही रहिए तो यहाँ भी कम से कम आपका 4-5,000 रुपये मंथली रेंट होता है। शॉपकीपर अपना खर्चा निकालता है, उसके बाद जो भी उसमें डेड स्टॉक निकलता है उसका भी कॉस्टिंग वो उसी में कैप्चर करता है। डेड स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो सामान जैसे सामान दुकानदार ने मंगाया काफ़ी सारा प्रोडक्ट तो बिकता नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डैमेज निकल जाते हैं, डैमेज नहीं भी निकले तो उसका कलर ख़राब होता है मतलब कि अट्रैक्टिव कलर नहीं होता है, अट्रैक्टिव कलर नहीं भी है तो मतलब अट्रैक्टिव है भी तो मान चलिए वो पीस गंदा हो गया या चूहे ने काट दिया समथिंग इस तरह का, जो भी जो आइटम बिकने लायक नहीं होता, ऐसे डेड स्टॉक काफ़ी सारे मतलब जब भी कोई शॉपकीपर 2-4-6 साल बाद अपनी दुकान को सफाई करता है तो काफ़ी सारा माल डेड स्टॉक में निकल जाता है जिसको वो कभी बेच ही नहीं सकता, कितना भी जो लगा ले वो नहीं बेच सकता, कस्टमर कहेगा भैया ना दो ज़्यादा अच्छा है, अब आप समझिए। तो इन चीज़ों को कैप्चर करने के चक्कर में प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा भाग जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब कस्टमर को क्या फ़ायदा मिल रहा है कि भाई जो सेकेंड बंदा है उसने अपना कहीं भी आउट में जाके स्टॉक ले लिया, जब उसने एक ही प्रोडक्ट को बल्क में उठाया तो उसमें डेड मतलब कि जो भी सेकेंडरी डेड स्टॉक की पॉसिबिलिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है, और उसके काफ़ी निकलती हुई तो बहुत नील ना के बराबर निकलती है, और उसने क्या होगा एक लिमिटेड मार्जिन रख लिया तो उस रेट पर सीधे वो कस्टमर को प्रोवाइड करा दे रहा है प्रोडक्ट को। इससे क्या होता था कि जो बीच की चैन थी जो सभी लोग थोड़ा थोड़ा उसमें से खाते थे वो हिस्सा गायब हो गया। इससे क्या है कि जो होलसेल जो अब प्रोडक्ट को लॉट में उठा रहा है उसको मार्जिन भी अच्छी निकाल रहा है, उसके बाद भी कम रेट पे कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा दे रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में मंदी आती जा रही है, मार्केट का विकास नहीं हो रहा है। देखिए मार्केट में विकास किस भी पे होता है, हमारे आपके जेब में पैसे होते हैं, हम आप उस चीज़ को पैसे को खर्चे करते हैं, जब पैसे को खर्चे करते हैं प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं यूज़ करते हैं, इससे मार्केट में पैसा आता है तो वो पैसा रोटेट होता है मार्केट में, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करती है। अब जब क्या बोलते हैं कि मार्केट में क्या है कि जब पैसा ही नहीं है, जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को जो फॉरेन कंपनी है या तो इंडियन कंपनी है उसको एक ही बंदे को पैसा दे रहे हैं, मार्केट में पैसे को रोटेशन नहीं हो रहा है तो भला आप कैसे क्या बोलते हैं कि मार्केट में GDP बढ़ेगी। इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है इकोनॉमिक जो हमारी देश की इकोनॉमिक है GDP है वो डे बाई डे लगभग पीछे 6 क्वार्टर से लगातार गिरती चली जा रही है। अब देखिए देखना ये है कि ये GDP कितनी नीचे तक जा सकती है या देश की बदहाली किस हद तक जा सकती है। देखिए अपने देश में इस समय जिसकी भी सरकार है, हम किसी XYZ का नाम नहीं लेंगे बट आप खुद जान रहे समझदार हैं कि किसकी सरकार है, सरकार के काम का करने के सिस्टम से लगभग आम जो जनता है वो काफ़ी हद तक खुश है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे बट काफ़ी हद तक जनता या जो पब्लिक है वो हैप्पी है, लेकिन उसके बाद भी काम वो अपने हिसाब से बेस्ट कर रही है, बेटर 100% दे रही, फिर भी देश की जो GDP है वो लगातार गिरती जा रही है। इसका मेन कारण ये अनएम्प्लॉयजेशन है और इसके कारण GDP लगातार गिरती जा रही है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। थैंक यू।